दोस्तों, अब मैं आपको लेकर आया हूँ इसी कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में, इस परिसर में बने हुए एक इमाम जामिन के मकबरे पर। आइए आपको इनके बारे में बताते हैं और इस जगह के बारे में, इस जगह को अच्छे से आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, इनके बारे में कुछ खास लिखा हुआ है कि ये तुर्किस्तान के मूल निवासी थे, इमाम जामिन के नाम से मशहूर थे और सिकंदर लोदी के समय में ये जो कुवतुल इस्लाम मस्जिद है इससे कुछ संबंधित महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर संपादित करने हेतु भारत आए थे, यानी कि इससे रिलेटेड कुछ काम करने ये भारत आए थे। ये कन्फर्म्ड नहीं है कैसा काम था। तो एक अभिलेख के अनुसार 944 हिजरी यानी कि 1537 से 38 के बीच में उन्होंने अपना मकबरा बनवाया एवं उसके एक वर्ष पश्चात ही निधन हो गया। देखिए दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे यहाँ पर देखने को लगी कि जिनका ये मकबरा है उनकी तब तक मौत नहीं हुई थी, उन्होंने पहले ही अपना मकबरा बनवा दिया था इमाम जामिन, और इनकी मौत इस मकबरे को बनवाने के एक साल बाद हुई थी। और जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर जो कुवतुल इस्लाम मस्जिद है जो भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है, और जो जिस सारा ये कुतुब कॉम्प्लेक्स यानी कि ये कुतुब मीनार परिसर यहाँ पर है उसका वे कोई इम्पोर्टेंट काम करने या देखने के लिए भारत आए थे सिकंदर लोदी के समय में। अब आपको दिखाते हैं ये इमाम जामिन का मकबरा अंदर से कैसा दिखता है। दोस्तों यह है देखिए इमाम जामिन का मकबरा इसी कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में, संगमरमर और लाल पत्थर से शानदार तरीके से बना हुआ है। ये एंट्री गेट है, बहुत छोटा है और झुककर जाना पड़ेगा। ये शायद उद्देश्य रहा होगा कि जो लोग भी इसमें एंट्री करें तो वो इनके सजदे में या इनके श्रद्धा के रूप में सर झुकाकर जाएं, क्योंकि ऐसे जाना इसमें मुश्किल है। और देखिए अरबी में शायद ये कुछ आयतें वगैरह लिखी हुई हैं, ये शायद आकृति देखिए इंग्रेवमेंट कुछ काफ़ी अच्छा किया हुआ है, मुझे तो एक फूल जैसा लगता है ये, और ये ऊपर भी अरबी में अल्लाह वगैरह और ये फूल वगैरह यहाँ पर किए हुए हैं। छोटा है लेकिन बहुत खूबसूरत है, सुंदर है, और हम आपको यहीं से इनको जूम करके दिखा देते हैं। ये देखिए ये इनकी कब्र है, संगमरमर पत्थर लगा हुआ है, ये चारों तरफ झरोखे हैं, हवा आती है, और ये इनका गुंबद देखिए ये कैसा दिखता है। और जैसे कि आपको मैंने बताया इनका मजार है, इसकी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये इनकी मौत से पहले बना हुआ है और इन्होंने खुद बनवाया था अपनी मौत से पहले एक साल पहले, ऐसा बहुत कम सुनने में और देखने में हमें आता है।